नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,196 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,68,891, सिंध में 2,56,741, खैबर पख्तूनख्वा में 71,282, बलूचिस्तान में 19,004, गिलगित बल्तिस्तान में 4,954, इस्लामाबाद में 43,753, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,955 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 87,90,986 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,453 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,38,207 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,632 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 50 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,708 हो गई। पंजाब में 5,269, सिंध में 4,301, खैबर पख्तूनख्वा में 2,050, इस्लामाबाद में 494, बलूचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 293 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सरमायाकारी मुनाफा बख्श बिजनेस के ज़रिए गुरबत कम कर सकते हैं। खित्ते के ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात इस्तेमाल करके गुरबत कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है खित्ते में अमन, सियाहत, तजारत, सरमायाकारी के लिए किरदार अदा करें। दौरा श्रीलंका के मौके पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को सियाहत, तजारत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका की सियाहत बहुत मुतासिर हुई। इस हवाले से श्रीलंका के सदर से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी से मुतालिक सैर हासिल गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर समेत बरसग़ीर में तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के ख्वाहां हैं। दुनिया के हर फोरम पर यही मौक़िफ़ रहा कि जंग मसाइल का हल नहीं, भारत से हमारा वाहिद इख्तिलाफ़ कश्मीर पर है, जो सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। और इक्तदार में आने पर भारत को डायलॉग की पेशकश की, लेकिन बात नहीं बनी। मसाइल का हल जंग में नहीं, डायलॉग में है। एक मसले के हल के लिए जंग छिड़ने से मज़ीद तनाज़ात जन्म लेते हैं। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बलूचिस्तान में मुश्तरका इंसदाद मंशियात ऑपरेशन के दौरान 2 अरब रुपए मालियत की 700 किलो मंशियात बरामद करनी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बलूचिस्तान के इलाके पिशोकान के साहिली इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 700 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है। बरामद शुदा मंशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है, जिसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया मुल्की समंदरी हदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का शुक्रगुजार हूं कि मुझे सेनेट के लिए मुत्तफिक का उम्मीदवार बनाया गया। पीडीएम हकीकत है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने एहतसाब अदालत में कायद हिजब इख्तिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद ज़राए बलाग़ियामा के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों से मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम किया। मैं जब वज़ीर आज़म था और शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो हमारे दरमियान बेहतर ताल्लुकाते कार रहे। उन्होंने कहा कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में बेहतरीन नतायज दिए। ज़िंदगी असेंबली में गुजारी, वज़ीर आज़म रहा, स्पीकर भी रहा, आइन के मुताबिक ही चलना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि आइन में तब्दीली लाई जाए। गैर आइनी इकदाम जमहूरियत के लिए ख़तरा होगा। सैनेट इलेक्शन के लिए आइन में बाकायदा तरीका वज़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐवान मुझे पहले भी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे चुका है, क्या मैंने पूरे ऐवान को खरीद लिया था।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कोई रिलीफ दिया तो फैसला यकतरफा होगा। आला अदलिया और कोर्ट को गंदे खेल में घसीटने पर हुकूमत को बेनकाब करते रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ज़राए बलाग़-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने मुनज़्ज़म धांधली की, हमारे वोटर्स को हरासा किया गया, हमें 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन नहीं चाहिए, हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की पूरे हल्के में रीपोलिंग चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि ब्रॉडशीट को पहले ही रोज फ्रॉडशीट कहा था, इमरान खान के कारिंदों ने ब्रॉडशीट से अपना कमीशन मांगा, ब्रॉडशीट से पैसे लेने वाले बेनकाब हो गए, कंपनी उनको रुस्वा और बेनकाब कर रही है। नवाज शरीफ से पैसे निकलवाने के चक्कर में हुकूमत को खुद रकम देनी पड़ गई। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि परवेज रशीद के केस में हुकूमत बेनकाब हो गई, धुन में बंदे अगवा करना उनकी हुकूमत का शेवा है, मेरे खिलाफ नैब के नोटिस भी धुन में गुम हो गए, ऐसे हथकंडे हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की जमानत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत आलिया ने वकलाए तरफीन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाते हुए कायद हिजब इख्तलाफ हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली और नैब को नून लीगी रहनुमा की रिहाई का हुक्म देते हुए हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज़ हमजा शहबाज के वकला ने अपने दलाइल में कहा था कि हमजा की गिरफ्तारी के 17 माह बाद फर्द जुर्म आयद की गई, सुप्रीम कोर्ट में 10 माह तक जमानत की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रही। अदालत उज़्मा ने नैब के पुराने तरीन केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुनने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट 20 माह की ताखीर करने पर नैब के केसेस में मुलजिमों को रिलीफ दे चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा था कि नैब को अगर 6 माह का वक्त दिया जाए तो केस का ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर में 5 नई अदालतें आ रही हैं तो ये सीनियोरिटी वाला मामला ही हल हो जाएगा। ख्याल रहे कि नैब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में वेस्ट इंडियन स्टार क्रिस गेल की जगह फॉफ डुप्लेसी एक्शन में दिखाई देंगे। वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी के लिए कराची पहुंच गए हैं। फॉफ डुप्लेसी कराची में 2 रोज का क्वारंटीना मुकम्मल करने के बाद प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। दूसरी तरफ इंग्लिश क्रिकेटर टॉम कोहलर कैडमोर पाकिस्तानी शायकीन और मकामी खानों के रसिया हो गए। कोहलर कैडमोर का कहना है कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, मैं यहाँ के लोगों, क्रिकेट फैंस, कल्चर और खानों का फैन बन गया हूं। मुझे PSL के लिए पिशावर जलमी का हिस्सा बनने पर फख्र है, खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। उनका मजीद कहना था कि शुएब मलिक और कामरान अकमल जैसे तजुर्बाकार क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना याद रहेगा।